आज हमारे भोजपुरी सुपरस्टार्स के पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, यहाँ तक कि दुनिया के सारे ऐशो आराम। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी एक ऐसा वक्त भी इनके जीवन में था जब ये सारी चीजें उनसे कोसों दूर थी। लेकिन आज भले ही उनके पास किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा खलती है और वो है उनके पढ़ाई की। जी हाँ, बचपन में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हमारे भोजपुरी के लगभग सारे बड़े सितारों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, जिसकी वजह से इसकी कमी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन आज भोजपुरी का हर बड़ा सितारा अपने बच्चों को महंगे से महंगे कॉन्वेंट स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ा रहा है, जिसकी फीस सुनते मात्र ही आपके होश उड़ जाएंगे। भले ही खेसारी लाल यादव और निरहुआ और रवि किशन जैसे कई भोजपुरी स्टार्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन वो मुंबई के मीरा रोड इलाके के सबसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। खेसारी की बेटी कृति पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसके लिए पिता चाहते हैं कि बेटी खूब पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर बने। साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके भाई प्रवेश लाल यादव, इन दोनों के बच्चे मुंबई से दूर महाराष्ट्र के पंचगनी में पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि पंचगनी में वो एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जहाँ की फीस ही इतनी ज्यादा है कि निरहुआ की अच्छी खासी रकम इनकी पढ़ाई पर जाती है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने बच्चों को तो पढ़ाते ही है पंचगनी में, साथ ही अपने भाई और बहन के बच्चों को भी पंचगनी बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कितने सेंसिटिव हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। आपको बता दें कि बच्चे भले ही दूर हो, लेकिन उन्हें घर का माहौल देने में निरहुआ कहीं भी कमी नहीं करते। समय समय से उनसे पंचगनी मिलने जाना और हर छुट्टियों में उन्हें पंचगनी से मुंबई लाना, ये सारी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई प्रवेश लाल यादव की होती है। भले ही इन सुपरस्टार्स के बच्चे बड़े और महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और कल्चर से भी इन्हें दूर नहीं रखा जाता। हर रीति रिवाज और कल्चर, हर त्योहार का महत्व इन्हें बकायदा बताया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे भोजपुरिया स्टार्स जमीन से जुड़े हैं, तो अपने बच्चों को भले ही वो महंगी से महंगी पढ़ाई करवा रहे हो, लेकिन उन्हें अपना कल्चर और उन्हें अपना संस्कार देने में कहीं भी कोई कोट कसर नहीं छोड़ते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।